कैलाश विजयवर्गीय को मिली कमलनाथ का गढ़ भेदने की जिम्मेदारी। आज से छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे मंत्री। हरियाणा पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रभारी रहे कैलाश विजयवर्गीय की नजर अब कमलनाथ के अभेद गढ़ छिंदवाड़ा पर है। भारतीय जनता पार्टी ने कैलाश विजयवर्गीय को महाकौशल क्लस्टर प्रभारी बनाया है। विजयवर्गीय 19 मार्च से 3 दिन छिंदवाड़ा के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट बीते 72 साल से कांग्रेस का गढ़ बनी हुई है। कांग्रेस के इस अभेद किले को भेदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरह की कोशिश कर ली, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। साल 1980 से छिंदवाड़ा सीट पर कमलनाथ परिवार का कब्जा चल रहा है। हालांकि 1998 में उपचुनाव में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा ने यहां कमलनाथ को हराया था और एक साल के लिए सांसद चुने गए थे। विजयवर्गीय भेदेंगे कांग्रेस का अभेद किला। इसके बाद फिर से सीट पर कमलनाथ परिवार ही काबित होता रहा। वर्तमान में भी कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ यहां से सांसद हैं, जबकि अब फिर से कांग्रेस ने नकुलनाथ को ही अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी में कैलाश विजयवर्गीय संकट मोचक के रूप में काम संभालते नजर आ रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ऐसे प्रदेशों में भेजती आ रही है जो कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रभाव वाले नहीं है। बता दें, विजयवर्गीय को इससे पहले पश्चिम बंगाल का प्रभारी बनाया गया था। यहां पहली बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और विधानसभा चुनाव में उनकी सीटें बढ़ी। इसी तरह विजयवर्गीय को हरियाणा का प्रभारी बनाया गया था। अब बीजेपी ने विजयवर्गीय को कमलनाथ का गढ़ भेदने की जिम्मेदारी दी है। इसी जिम्मेदारी के तहत विजयवर्गीय 19 मार्च से छिंदवाड़ा के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अब आपको बताते हैं कब और कौन रहा सांसद। छिंदवाड़ा सीट का गठन साल 1952 में हुआ था। पहले चुनाव में यहां से कांग्रेस के रायचंद भाई शाह विजयी हुए थे। इसके बाद 1957 में कांग्रेस के ही भीकूलाल लक्ष्मचंद, 1962 में नारायण राव मणिराम, 1971 में गार्गी शंकर मिश्रा, 1977 में गार्गी शंकर मिश्रा, 1980 में भी गार्गी शंकर मिश्रा और 1980 में कमलनाथ, 1984 में कमलनाथ को जीत मिली। इसके बाद 1989 में फिर कमलनाथ, 1991 में कमलनाथ, 1996 में भी कमलनाथ, 1957 में अलकानाथ, 1998 में बीजेपी के सुंदरलाल पटवा, 1998 में कमलनाथ, 2004 में कमलनाथ, 2009 में भी कमलनाथ, 2014 में भी कमलनाथ और 2019 में नकुलनाथ यहां से सांसद चुने गए।